तो फाइनली गाइस वेट खत्म हो चुका है। हुंडई ने अपनी अनवील कर दिया है वर्ना का डिजाइन, जो भी काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है भाई, देखने में काफी मजेदार लग रहा है भाई। मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा हूँ इस डिजाइन का। ये जब ऑन मार्केट आएगी तो ये कैसी लगेगी, जो अपने को हुंडई में देखने को मिलता है ना, जो पीछे की कनेक्टिंग लाइट्स होती है, तो वही डिजाइन इन्होंने आगे पीछे दोनों तरफ कॉपी किया है। और जो फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन ये बताते हैं, जो इन्होंने i20 में डाला है, जो कर्व्स है वही इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है कि नई वर्ना में भी इन्होंने वही दे। और जो ये लाइट है, बैक लाइट है भाई, क्या ही शानदार लग रही है भाई, कहना ही पड़ेगा। ये तो मजा आ रहा है देख के। अब वेट इसका करना ही पड़ेगा कि भाई कितनी बढ़िया गाड़ी ये रहती है। जो इनका इंस्पिरेशन लिया ना इनकी है कि जब इन नाम से गाड़ी आती है, उनसे इन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया है कि जो ये कनेक्टिंग लाइट की फ्यूचरिस्टिक है, ये वर्ना में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका इंटीरियर भी काफी हद तक इसी से ही मैच करता हुआ मिलेगा अपने को। बाकी भाई अब इन्हें काफी 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 मजेदार लग रहा है डिजाइन। एक और चीज की बात करें जो काफी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है, कि वर्ना में अब अपने को 1.5 लीटर टर्बो का इंजन मिलेगा। मतलब टर्बो मिल रहा है भाई। अब पहले जो डीजल इंजन आते थे ना, अब वर्ना को अंदर वो उसको डिसकंटिन्यू करने की सोच रही है हुंडई, इसलिए अब इन्होंने 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ताकि रेट को भी कम रखा जाए और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। बट यार इनका प्राइस हमेशा ही हैवी आगे रहता है, मतलब और गाड़ियों से लगा लो काफ़ी आगे रहता है। तो अब कोशिश करेगी हुंडई कि उसको थोड़ा कम रखा जाए। वहीं बात करें पुरानी वर्ना में जो दिक्कत आती थी कि पीछे की सीट पे स्पेस बहुत कम मिलता था, तो अब हुंडई का कहना है कि भाई वो उन्होंने भी उस चीज़ पे काम किया है। तो होप करते हैं कि वो चीज़ ठीक ही गई हो। और बात करें इसके कॉम्पिटिशन वर्टस और या फिर स्कोडा सलाविया हो गई, जो कि बिल्कुल इसके कंपटीशन में आती है, अगर उसको आप लेने की सोच रहे हो ना भाई, तो मैं एक ही बात कहूँगा, थोड़ा वेट करो, क्योंकि अब हो सकता है इनको टक्कर देने के लिए यही बढ़िया चीज़ निकाल के दे दे हुंडई। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अपने वेट करो और बढ़िया चीज़ का एक बार अगर अच्छी लगे तो ये वरना पे जरूर जाना। और डिज़ाइन देखो बिल्कुल ही, मतलब जो महंगी कार आती है ना लग्जरियस, वैसा डिज़ाइन लग रहा है भाई। तो अपना वेट करना एक जायज़ रीज़न बन जाता है कि आप वेट करो इस चीज़ के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डेली अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वेट कीजिए हुंडई वरना।